एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम रेंज ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब भी रेडिएशन या बीम ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं कि जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो मीडियम की स्टॉपिंग पावर क्या होगी और उसके अलावा आयनाइजेशन कैसे हो रही होगी, रेट ऑफ आयनाइजेशन, तो इनके बारे में हमने पहले देखा। अब हम देखते हैं कि वो पार्टिकल मैक्सिमम किस पॉइंट तक रीच आउट कर सकता है इन अ मटीरियल, उसको हम उसकी रेंज कहते हैं कि कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बिफोर इट स्टॉप्स, कि रेंज उसकी क्या है, मैक्सिमम कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है इन द मटीरियल, या उसकी पेनिट्रेशन कितनी ज़्यादा हो सकती है, पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, तो उसका कितना ज़्यादा होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रेंज। और रेंज इज़ गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है इंटेग्रल डिवाइडेड बाय द स्टॉपिंग पावर, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग की उसकी एनर्जी क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टू फाइनल उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब वो स्टॉप हो जाता है मीन्स उसकी एनर्जी ज़ीरो होगी। तो आप अगर इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो स्टॉपिंग पावर होती है माइनस डी ई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द इंटीग्रल। अगर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल को इन्वर्ट कर दें तो ये ज़ीरो टू ई आई अगर हम कर दें तो नेगेटिव साइन उसमें ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज रेंज, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल फॉर्मूला है, रेंज टेल अस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल्स इनसाइड द मीडियम बिफोर इट स्टॉप्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू द स्टॉपिंग पावर ऑफ द मीडियम। तो ये यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। अब ये हमने फॉर्मूला देख तो लिया है लेकिन ये इंटीग्रल सॉल्व करना नॉर्मली बहुत टफ होता है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं फॉर द रेंज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैस एम एंड चार्ज जी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड लेट्स से इट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई फॉर इनिशियल एनर्जी ई, जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, एज़ वन ओवर टू एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल जो उसकी होगी उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी कोई इनिशियल स्पीड भी होगी, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इसका रिजल्ट आता है कि रेंज किसी भी इनिशियल स्पीड वी पे इज इक्वल्स टू मैस ऑफ द पार्टिकल जिसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल की रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी मीडियम में, तो उसका मैस लेंगे अल्फा पार्टिकल का डिवाइड बाय जी का स्क्वायर विच इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वी, वे एफ ऑफ वी इज़ अ फंक्शन जो कि यूनिकली डिफाइंड होता है डिपेंडिंग इंटायरली अपॉन द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल 14 है और दूसरा एक और डिफरेंट पार्टिकल है लेकिन उसकी भी इनिशियल स्पीड 14 ही है, तो ये एफ ऑफ वी दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ वी जो है ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर इनिशियल स्पीड बेशक डिफरेंट पार्टिकल्स जो उनकी सेम है तो उनका एफ ऑफ वी फंक्शन भी सेम होता है, तो मोस्टली हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए फिर रेंज वगैरह को भी निकाल लेते होते हैं दूसरे पार्टिकल्स की, अगर हम उनको कंपेरिजन करें विद द रेंज ऑफ सम अदर पार्टिकल जिसकी इनिशियल स्पीड भी वही हो, जैसे इसके बाद हम एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम में यूज़ होता है फॉर्मूला वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें हम लेट से एक अल्फ़ा पार्टिकल है जिसको हमने टू डिफरेंट मीडियम्स में स्टडी किया, एक मीडियम में आर वन रेंज है अल्फ़ा पार्टिकल की, उस मीडियम की लेट से डेंसिटी जो है वो रो वन है और उसके साथ साथ उस मीडियम का जो एटॉमिक वेट है एटॉमिक मास है वो ए वन है, और एक और मीडियम है जिसका आर टू रेंज है रो टू डेंसिटी है और ए टू एटॉमिक वेट है, डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बर मटेरियल हो जाएगा ना ये, तो इन दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि आर टू डिवाइड बाय आर वन इज इक्वल्स टू, ये आर टू ऊपर है ना आर वन नीचे, तो यहाँ पे रो वन डिवाइड बाय रो टू हो जाएगा इसका इनवर्स और अंडर रूट ऑफ ए टू डिवाइड बाय ए वन, ठीक है, ये रिलेशन है, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, ओके तो एक ये हो गया। और उसके अलावा अगर आपके पास एक एयर मीडियम है और उसके साथ एक और मीडियम है लेट्स से कोई भी वो मीडियम हो सकता है इन पेयर, ठीक है, लेट्स से मैं उसे आर मीडियम एम टू का नाम दे देती हूँ, एयर और कोई मीडियम है इनका पेयर अगर है स्पेसिफिकली, यहाँ पे तो कोई भी दो डिफरेंट मीडियम्स का पेयर है ना, यहाँ पे लेट्स से एक मीडियम तो एयर ही है और दूसरा मीडियम जो है वो कोई भी हो सकता है, तो उस केस में हम ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट यूज़ करते हैं कि आर जो रेंज है पार्टिकल की इस मीडियम में, ठीक है, एम टू मीडियम में, वो इक्वल हो जाती है कैपिटल के टाइम्स ई टू द पावर 3/2, जिसमें ये कैपिटल के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.32 और ई टू द पावर 3/2 ये एज इट इज़, तो ये हम ये फार्मूला भी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते होते हैं। इसमें ई जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पुट किया जाता है और आर का जो आंसर आता है वो सेंटीमीटर में ही आता है, तो लेट्स से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी गिवन है ना तो यहाँ पे 5 पुट करना होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह नहीं, तो 5 पुट करेंगे और आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर्स में ही आएगी रेंज, ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट
डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं जिनको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि उनकी पुटिंग सर्टन यूनिट्स में ही होती है। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट में पुट होता है और उसका जो रेंज का आंसर आता है वो सेंटीमीटर में आता है। तो ये हमने कुछ फार्मूलाज देख लिए हैं रेंज के रिलेटेड, मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई क्योंकि जो स्टूडेंट्स फिलहाल देख रहे हैं वीडियोस उनको प्रॉब्लम्स के लिए ये काम देंगे। तो प्रॉब्लम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो एक ये फार्मूला है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, ये तीन मेन रेंज के फार्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे आगे प्रॉब्लम्स में।